चंद्रमा पर कामयाब मिशन के बाद भारत अब अंतरिक्ष में अपने सूर्य मिशन के साथ हाजिर है। आज दिन में अब से कुछ देर बाद 11:50 पर श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी के जरिए इस मिशन को भारत लॉन्च करने जा रहा है। सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का ये पहला मिशन है। सूर्य धरती का सबसे निकटतम तारा है जो कि जीवन का सूचक है, साथ ही ये सौरमंडल की सबसे बड़ी चीज है, लेकिन विज्ञान के लिए अब भी ये एक रहस्य का विषय बना हुआ है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और साइंस एडिटर पल्लव बागला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। पल्लव सर, अभी चंद्रयान 3 की सफलता और उसके बाद सोलर मिशन, इस मिशन के बारे में बताएं। देखिए, आदित्य जो मिशन है, ये आदित्य पर्यायवाची है, सूरज का भास्कर आदित्य इसी के नाम है। तो पहली बारी भारत एक स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी छोड़ रहा है जो जाके पैनी नज़र रखेगा सूरज के ऊपर। और देशों ने किया है, ऐसा नहीं है कि भारत पहली बारी कर रहा है, लेकिन भारत के लिए पहली बारी है। और इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस मिशन के 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि किसी तरह से जब सूरज से सोलर स्टॉर्म आते हैं, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ, जब सूरज गुस्सा हो जाता है और धरती की तरफ आग उगलता है, तब सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ध्वस्त हो जाते हैं, तो उसके लिए फोर वार्निंग भी देगा। तो ये साइंटिफिक मिशन भी है और एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी भी दे रहा है भारत के लिए। तो पहले तो चंद्रयान 3 ने हमको बहुत खुशी दी और अब इसरो की तरफ से ये एक सूर्य नमस्कार है। जी, इसरो की तरफ से सूर्य नमस्कार है। सर, यहाँ पे इस मिशन के जरिए हम क्या हासिल करने की सोच रहे हैं, क्या लक्ष्य क्या है? देखिए, सूरज जो है रोज हमको दिखता है। आज मैं स्टूडियो में आते हुए भी सूरज देखा था। जब हम सवेरे उठते हैं और शाम तक जब तक सूरज ढलता है, सूरज नहीं ढलता है, धरती घूमती है। तो ये कहना कि सूरज ढल गया, तो सूरज कभी नहीं ढलता। उसी तरह से आदित्य भी कभी सोएगा नहीं। तो इस मिशन के लिए जो हमने तैयारियां की हैं, खासकर उसके कोरोना को समझने के लिए, उसके सेंटर को समझने के लिए, कोर ऑफ द सन, और किस तरह से अभी तक माना सूरज हमारी दिनचर्या डिसाइड करता है, लेकिन हम बहुत कम जानते हैं उसके बारे में, तो उसी की मिस्ट्रीज रिजॉल्व करने के लिए भारत ने आदित्य मिशन चालू किया है। बहुत कम कीमत में बना हुआ मिशन है, 400 करोड़ का सैटेलाइट है और 5 साल तक इसकी उम्मीद है जिंदगी रहेगी। और ये सूरज पे जाएगा नहीं, ये धरती से सूरज के बीच में करीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर या 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे जाके इसको एक जगह पार्क किया जाएगा, जहां से इसको 24/7 365 डेज कंटिन्यूस व्यू मिलेगा सूरज का। तो जब भी कोई जानकारी देनी होगी तो आदित्य हमको फोर वार्निंग दे सकता है। जी, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर दयाशंकर कुलश्रेष्ठ, पूर्व विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर दयाशंकर, जैसा कि पल्लव सर बता रहे हैं कि ये सूर्य के नजदीक जाएगा, बहुत नजदीक नहीं, सूर्य पर नहीं जाएगा, और ये मिशन की कामयाबी किस तरीके से हम जांचेंगे? क्योंकि हम जानते हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रमा पर, चंद्रयान की, लैंडर की, और अब जो है रोवर काम कर रहा है, सूर्य मिशन की कामयाबी को जांचने की, कि भाई वो जांच अगर हम देखें कि सफल हुआ है, कैसे मापेंगे? और इस पूरा इस सिस्टम को बताएं जो मिशन है, सोलर मिशन, अब भारत उसके लिए तैयार है, 11:50 वो वक्त है। जी देखिए, ऐसा है कि इसकी जो सक्सेस होती है स्टेप बाई स्टेप दिखाई देती है। सबसे पहली स्टेप हमारी है कि हम इसको सक्सेसफुली लॉन्च करें। सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद तो ये हमारा इसरो के द्वारा कंट्रोल्ड मिशन रहेगा, जैसे पहले हमने किया था। इसकी सारी फर्स्ट ऑर्बिट में इंजेक्ट करेंगे इसको अभी लॉन्चिंग टाइम पर। उसके बाद पूरा एक एक ऑर्बिट को हम मैन्यूवरिंग कर सकते हैं, उनके डायमेंशंस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब हमारा देखिए, पहले चंद्रयान का जो आप कह रहे हैं,
चंद्रयान के टाइम हम अपनी इलिप्टिकल अर्थ के अराउंड बढ़ाते बढ़ाते इस प्रकार से ले गए थे कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पॉइंट पर चंद्रमा की ग्रेविटी भी हमारे आसपास हमारे अर्थ की ग्रेविटी के आसपास आ गई थी। तब हमने धरती की ग्रेविटेशन से चंद्रमा की ग्रेविटी में एंटर किया और फिर हम चंद्रमा के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगे। अब इस केस में क्या होने वाला है, आदित्य के केस में क्या होने वाला है, हम अपनी ऑर्बिट को बढ़ाते जाएंगे हम किसी दूसरे किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अर्थ के ही ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेंगे। लेकिन अब हम थ्री बॉडी सिस्टम स्टडी करने वाले हैं, सन अर्थ एंड अवर आदित्य एल1। ये तीन बॉडी सिस्टम का जब आप नॉन लीनियर डायनेमिक्स मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो देन देयर आर सम पॉइंट्स कॉल्ड एज लैग्रांज पॉइंट्स। तो L1, L2, L3, L4, L5 पांच पॉइंट्स हैं इस सिस्टम में। L1, L2, L3 एक ही लाइन में है। L1 सबसे नजदीक है हमारी धरती के, L1 सबसे नजदीक पड़ेगा, वो भी 1.5 मिलियन 15 लाख किलोमीटर हमसे दूर है और सूरज से भी काफी दूर है, तो वहां बिल्कुल सुरक्षित सेफ है। एक क्या होता है कि जो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं लाइक लैग्रांज पॉइंट L1, तो इनके ये थ्री बॉडी सिस्टम के अंदर यू कैन कैलकुलेट इट एग्जैक्टली, देयर कैन बी स्टेबिलिटी पॉइंट। सो L1 इज ए स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके चारों तरफ एक हेलो ऑर्बिट टाइप की पॉसिबिलिटी होती है। इस हेलो ऑर्बिट में हमें बहुत मिनिमल एनर्जी फ्यूल खर्च करना पड़ता है, ऑलमोस्ट एफर्टलेस। हमारा जो आदित्य L1 जाएगा, हम उसको पार्क करना चाहते हैं उस हेलो ऑर्बिट अराउंड L1, जो लैग्रांज पॉइंट L1 में है उसके चारों तरफ जो एक आप ऑर्बिट इमेजिन करिए उसको हम हेलो ऑर्बिट कहेंगे। उसके इट्स ए थ्री डायमेंशनल ऑर्बिट बट इट्स मोर और लेस स्टेबल, थोड़ी सी अनस्टेबल। देखिए स्पेस टाइम सब कर्व्ड है हर जगह पर, तो हम इसको उसकी परफेक्ट स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमारे पास उसमें थोड़ा हमने ईंधन भी डाला हुआ है, फ्यूल भी डाला हुआ है, पर बहुत मिनिमल लगेगा। मेनली हमारे जो प्रोग्राम्स इसरो के हैं वो सारे दे आर बेस्ड ऑन द दे ड्राइव देयर फ्यूल मेनली फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बैलेंस के साथ हम बढ़ते हैं आगे और स्टेप बाय स्टेप उसकी सक्सेस हमको पता चलती रहती है। आप देखेंगे लगातार, आप लोग मीडिया में सब बताते भी रहेंगे, हम लोगों को भी जब मौका मिलता है हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। हमारे नंबी नारायण जी ने एक्सप्लेन किया है कि ये एक प्राइमरीली स्टडी प्रोजेक्ट है, स्टडी में सर। अब उसके बाद देखो सूरज के सेंटर में इसका फोटोस्फीयर है, उसके चारों तरफ क्रोमोस्फीयर है, उसके चारों तरफ बहुत बड़ा कोरोना है। पहले के टाइम में जब सोलर इक्लिप्स पड़ते थे, टोटल सोलर इक्लिप्स, दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स इकट्ठे होते थे उस जगह पे, कहीं भुवनेश्वर जा रहे हैं, ब्राजील जा रहे हैं। अब जो है इसमें जो कोरोना ग्राफ लगा है हमारे पेलोड में आदित्य L1 में, इससे हम क्या कर सकते हैं कि आर्टिफिशियली हम वहां सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण क्रिएट कर सकते हैं ऑल द टाइम। अभी पल्लव जी ने बताया कि 24/7 हमारा L1 सूरज की किरणों से एक्सपोज्ड होगा और हेलो ऑर्बिट इस प्रकार का ऑर्बिट है कि इसमें कोई इंटरप्शन नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी, 24/7 सूरज की रोशनी इसके ऊपर अवेलेबल होगी। लेकिन कोरोना ग्राफ से हम आर्टिफिशियली नकली रूप में टोटल सोलर के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण पैदा कर सकते हैं, तो उसके चारों तरफ मेन डिस्क ढक जाएगी सूरज की। अब जो उसके चारों तरफ कोरोना में से अब जो अल्ट्रा वायलेट रेज कैसे आ रही है, मैग्नेटो, डॉक्टर दयाशंकर यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ और खास मेहमान भी जुड़ गए, उनको भी हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, डॉक्टर अमिताभ घोष जो कि नासा के साइंटिस्ट है वो भी है, डॉक्टर भुवन जोशी प्रोफेसर और डिप्टी हेड उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी PRL से भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अमिताभ, पहले आपसे जानना चाहेंगे एक आम इंसान के जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा जो सोलर मिशन अब जा रहा है और सूर्य के रहस्य को जानने की अब हम जो कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आम आदमी के ऊपर टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना असर नहीं पड़ेगा। दिस इज द व्हाट यू स्टे, वी आर डूइंग वेरी बेसिक रिसर्च हियर। हाँ, क्यों मैं हम लोग सूरज पे जा रहे हैं के मिशन पे जा रहे हैं, क्यों? बिकॉज यू नो इफ यू थिंक ऑफ आवर सोलर सिस्टम, 99.8% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम हमारा सन में है। हाँ, तो और इफ यू लुक एट द यूनिवर्स, अ लॉट ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स आर इन बॉडीज लाइक आवर सन, लाइक स्टार्स।
लेकिन हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं. तो इसीलिए आप देख रहे हैं आदित्य मिशन एंड देन देयर आर मिशंस सेंट बाय नासा एटसेट्रा ईसा ये जा रहे हैं. सो ये सन इज सो क्रिटिकल टू आवर लाइफ. इफ द सनलाइट वाज नॉट देयर ऑल लाइफ ऑन अर्थ वुड डाई. देन यू नो ऑल द मटेरियल्स दैट वी यूज ऑल एलिमेंट्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. हम जब सब आयरन यूज करते हैं या कार्बन यूज करते हैं ये सब बनता है एक स्टार के भीतर. सो बोलते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस इन द स्टार. सो ऑल द मटेरियल्स दैट यू थिंकिंग अप टू आयरन आर फॉर्मड इन द सन. इवन कार्बन इज फॉर्मड इन द सन. सो वी हैव अ वेरी डीप रिलेशनशिप विद द सन इन एवरीथिंग दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ एंड इन वॉट वी यूज. सो बट आप जो बोल रहे हैं ना इज देयर गोइंग टू बी डायरेक्ट इफेक्ट दैट इज वेरी हार्ड टू से बिकॉज दिस इज थोड़ा बेसिक रिसर्च है. जी जी पल्लव सर भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं. जी अमिताभ हाउ एक्साइटेड आर यू. आपको कितनी खुशी है कि भारत भी अब सूरज की ओर जा रहा है चांद के बाद. केवल नासा नहीं अब भारत भी सूरज की ओर देख रहा है. हाँ हम दिस इज वेरी एक्साइटिंग. सी यू नो जब मैं देश छोड़ के यहाँ आया तब देयर वाज नो प्लैनेटरी प्रोग्राम. यू नो ये 2000 में शुरू हुआ. 2003 में आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस चंद्रयान 1 एंड लुक इन 20 साल में कहाँ आ गए हम. राइट इफ यू कैन थिंक अबाउट दिस नॉट देयर वाज नथिंग इन द 90s. आई मीन यू वर इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म. राइट देयर वाज नथिंग इन द 90s. बट आज देखिए आप यू नो यू आर हैविंग ट्रबल यू नो thinking of so many missions, you know, Gaganyaan and then Aditya and then Mangalyaan and Chandrayaan. So it's absolutely amazing. And you know, what I really find very exciting is that the capability is being built. So ye jo aapne suna hua discussion on the laser background, laser induced breakdown spectroscopy, right? So there is an ISRO facility there that has built this and they are going to understand this and then in future mein wo aise fir dobara kisi aur planet ke jaane mein aisa bhejenge. So it's absolutely exciting. I mean if you think of it ye kuch nahi tha aur aaj sab kuch itna hai kya hum confuse ho ja rahe hain. Wo ek din programming mein mangal chandrayaan 3 hai ek din aditya. So it's a very 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 and the other thing which is bahut interesting is if you think of the participation of the public. हाँ तो जब आपने पल्लव साहब आप याद होगा when it was landing you know there was the discussion on WhatsApp groups was about vertical velocity and horizontal velocity of the land. That, so this was a level of participation. It was absolutely ये देखने का चीज है. You know the average person was thinking that well क्या होगा if it was in one orientation and another orientation. This is a fascinating thing to watch. Dr. Amitabh, तो क्या टाइम आ गया आपकी घर वापसी का? Is it time for you to come back to India and serve India and the Indian Space Research Organization rather than NASA now? No, that's a very big decision, of course. It's a big, very professional decision as well as a personal decision. So you cannot take it on live television. But yeah, you know. So today, I think, not just for me, but for every professional, the world is the destination. You cannot at any point of time think that, well, see, the world has become the stage for anything, for all fields. And you know, in India, there are people who come back from abroad. You know, Tata Motors, I remember they used to have product development head from Europe, from Rolls-Royce or something. And in all go to all these big companies. This is not very unusual. And then, you know, of course, you have Indians working here. So I think the bigger question is, aaj ka din mein, you cannot preclude anything. Ji. डॉक्टर अमिताभ ने विस्तार से बताया. यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर भुवन जोशी भी हैं. सर आपसे इस मिशन के बारे में जानना चाहेंगे. हमने देखा चंद्रयान 3 की जो तैयारियां चल रही थी कितने वक्त तक चली और कितना अथक प्रयास हुआ. चंद्रयान 2 में वो
हमें सफलता हासिल नहीं हुई थी, क्या कोशिशें चंद्रयान 3 के लिए हुई इस मिशन को, क्योंकि भारत का ये पहला मिशन है सूर्य की तरफ, आपको क्या लगता है किस तरह की पूरी तैयारियां हुई हैं और आप इस मिशन को किस तरह से देख रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए बहुत बड़ा मिशन है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि एक मिशन होता है जैसे सूर्य की स्टडी के लिए पहले भी हमारे देश से स्पेस मिशन हुए हैं, पर वो सिंपल टेलीस्कोप थी, जो टेलीस्कोप किसी एक बड़े सैटेलाइट में लगी हुई थी, जैसे चंद्रयान 2 था उसमें भी हमारा एक्सरे सोलर मॉनिटर था। पर ये जो मिशन है ये सिंपल टेलीस्कोप नहीं है, इसको हम ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है और इसीलिए पूरे देश के जो सोलर और स्पेस साइंटिस्ट हैं उनके लिए आज का दिन तो बहुत ही एक्साइटिंग डे है आज, है ना, बहुत लंबे इंतजार के बाद ये दिन आया है। और जब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेटरी की, तो आप जानते हैं कि इंडिया की तो बहुत रिच हेरिटेज रही है सोलर ऑब्जर्वेशन को लेकर के। तो सुबह ही मैं देख रहा था पल्लव बागला साहब को, वो जंतर मंतर सनडायल के पास खड़े थे एनडीटीवी में। तो उस जमाने से लें, जी उस जमाने से लें और आज की हम बात करें तो मॉडर्न ऑब्जर्वेशन का भी बहुत लंबी हिस्ट्री इंडिया में रही है। उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी जिसको कि पीआरएल अहमदाबाद चलाता है और इसरो का एक पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दे रहा है सोलर की स्टडीज में। फतेह सागर बहुत बड़ी लेक है उदयपुर में, उसके बीच में हमारी टेलीस्कोप्स लगी हुई हैं और बहुत पावरफुल हमारी टेलीस्कोप्स हैं। तो सोलर में क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश का उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी का, ये दुनिया जानती है। कोडैकनाल ऑब्जर्वेटरी है जो IIA बैंगलोर जिसको ऑपरेट करता है, वो तो ब्रिटिश टाइम की है। नैनीताल में भी टेलीस्कोप्स हैं सन की स्टडी के लिए एरीज में। तो लेकिन आज हम छोटी टेलीस्कोप को सन पर नहीं भेज रहे हैं, पूरी की पूरी ऑब्जर्वेटरी को, मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी को सन में भेज रहे हैं। तो इसकी पहली खास बात है कि ये देखिए ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है, ये कोई छोटी मोटी टेलीस्कोप नहीं है। दूसरा, ये मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है, मतलब इसमें 7 पेलोड्स हैं जैसा कि आप सभी को जानकारी है। और इन 7 पेलोड्स में जो 4 पेलोड्स हैं, 4 जो उपकरण हैं वो एक तरह के हैं, और जो 3 उपकरण हैं जिसको हम पेलोड कहते हैं वो एक तरह के हैं। जो 4 पेलोड्स हैं वो तो सन को एक टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, है ना। एक टेलीस्कोप है जो विजिबल लाइट में काम करेगी, जो लाइट हम देखते हैं विजिबल लाइट, विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ उसका नाम है। इसके अलावा एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है सूट उसका नाम है। फिर 2 एक्सरे टेलीस्कोप है, एक सॉफ्ट एक्सरे की है और एक हार्ड एक्सरे की। तो ये अलग अलग वेवलेंथ में जब सन को देखेंगे तो हमें एक 3 डायमेंशनल पिक्चर सन का हमारे सामने इमर्ज होगा। इन 4 टेलीस्कोप्स के अलावा 3 और टेलीस्कोप्स हैं जिसको हम कहेंगे इन सीटू टेलीस्कोप्स नहीं है, वो इन सीटू इंस्ट्रूमेंट है। तो इन सीटू बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है हम साइंटिस्ट के लिए, और जब हम बात करते हैं हिंदी की तो उसको हम कह सकते हैं यथास्थिति, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट स्पेस में जहां पर है L1 की जिस ऑर्बिट में है वहां पर स्पेस का वेदर कैसा है। ये 3 पेलोड्स हमको इसके बारे में 24 आवर हर समय मेजरमेंट्स देंगे। तो ये बहुत ही बड़ा मिशन है, बहुत ही बड़ा मिशन है और इससे बहुत सारी हमको उम्मीदें हैं। और जहां तक तैयारियों की बात है, बहुत लंबी तैयारी रही। मुझे याद है 2007 में मैंने PhD किया था, तब इसकी पहली मीटिंग हुई थी IIA बेंगलोर में और उसमें मैं गया था, तब मैं एक PhD स्टूडेंट था। ये मेरे ख्याल से 2005 या 6 की बात रही होगी। उसके बाद मैं पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज के लिए अब्रॉड गया, फिर मैंने PRL फैकल्टी में ज्वाइन किया। लेकिन इस बीच में मिशन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। पहले इसरो का प्लान था कि आदित्य मिशन, तब आदित्य L1 नहीं था, तब आदित्य मिशन था, ये अर्थ की किसी ऑर्बिट से हम सन को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन सन 2013-14 के आसपास एक बहुत बड़ा हमने मुकाम हासिल किया जब इसरो ने ये कहा कि हम L1 पर जाएंगे जो 15 लाख किलोमीटर दूर है और बहुत ही कम लोग वहां पर गए हैं। नासा गया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA वहां पर गई है और हम लोग तो डेटा बहुत यूज करते हैं जो L1 के मिशंस हैं उनका। तो इंडिया भी उस पॉइंट पर जाएगा बहुत चैलेंजिंग था, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। फिर 2013 के बाद जब आदित्य L1 ये नाम जुड़ा, फिर बहुत सारी मीटिंग्स हुई, है ना, इसरो की एटकॉस की मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे रिव्यूज हुए।
कुछ में हमको भी जाने का मौका मिला, कई पैनल डिस्कशंस हुए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए, बहुत मेहनत इसके पीछे रही है, कई सालों की मेहनत है, तो आज ये दिन आया है, तो हम सोलर फिजिक्स के लोग तो आज मतलब एक्साइटेड हैं। मैं सही बताऊं, कल रात से ही मुझे इतना एक्साइटमेंट था, इतना हम ओवरवेल्म्ड थे कि आज लॉन्च होगा, तो ये बहुत ही खुशी की बात है और तैयारियां खूब हैं। बिल्कुल, और एक्साइटमेंट सभी में है, खास तौर से एक कह सकते हैं पल्लव सर कि बच्चे बच्चे में चंद्रयान तीन के बाद जो एक्साइटमेंट हुआ, जो चर्चा हुई, उसके बाद अब सूर्य का जो मिशन है आदित्य, उसको लेकर एक्साइटमेंट है, काफी सारे सवाल भी हैं आपसे, हम चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, जल्द हाजिर होंगे। तो भारत के सोलर मिशन आदित्य L1 की हम लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं, कितना वक्त लगा है, साइंटिस्ट किस तरह से तैयार हैं। 11:50 वो वक्त होगा जबकि इसको लॉन्च किया जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। पल्लव सर, आपसे अब ये समझना चाहेंगे, PSLV जिस पर बहुत भरोसा किया जाता है, आप बताएं इस मिशन में क्या भूमिका रहेगी और उसको थोड़ा विस्तार से एक दर्शक जो NDTV से जुड़ा हुआ है उसको बताएं। देखिए जोशी जी, और जो हमारे वैज्ञानिक दोस्त हैं उनका काम तो अभी थोड़ा दूर है, अभी पहले हमारे रॉकेट ने काम करना है। जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो इसरो का वर्क हॉर्स रॉकेट माना जाता है, अभी तक उसकी 58 लॉन्च हुए हैं और उसका 95% सक्सेस रेट है, तो बहुत ही एक सक्षम रॉकेट है। उसके सबसे भारी भरकम मॉडल को यूज़ किया जा रहा है आज के लॉन्च के लिए, और आज का लॉन्च खास है। आम तौर पे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जो लॉन्चेस होते हैं वो 20 से 22 मिनट के होते हैं, लेकिन इसको एक खास जगह पे लेके जाना है, तो आज का लॉन्च जो है वो 63 मिनट का है, 63 मिनट। सो दी वंस एट 11:50 जब ये प्रक्षेपण होगा PSLV का श्रीहरिकोटा से, आदित्य सैटेलाइट को 63 मिनट्स बाद अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। तो ये अपने में एक बड़ा यूनिक लॉन्च है, और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो भारत में ही अपना निर्मित रॉकेट है, चार चरणों का रॉकेट है और बहुत ही कामयाब रॉकेट है। इससे पहले इसका जुलाई में प्रक्षेपण हुआ था जिससे कि सिंगापुर के सैटेलाइट भेजे गए थे, और इससे भारत को भी भरोसा है इस रॉकेट पे और दुनिया को भी बहुत भरोसा है, क्योंकि बहुत ढेर सारे दुनिया के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में इसी रॉकेट से भेजे गए हैं। तो ये आज का प्रक्षेपण मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए। 11:50 पे है और लोग पूछना चाह रहे हैं कई बार कि 11:50 पे क्यों, क्या सूरज जो ओवरहेड होगा तभी छोड़ा जाएगा नून के करीब? ऐसा नहीं है। देखिए करीबन 4 महीने बाद ये अपनी पार्किंग ऑर्बिट में पहुंचेगा, तो आज जहां सूरज है श्रीहरिकोटा के ऊपर उससे कोई इसका लिंकेज नहीं है, अभी इसको दूरी बहुत तय करनी होगी प्रक्षेपण करने के बाद, और तैयारी पूरी है। मेरी अभी बात हुई कंट्रोल रूम में इसरो के, पूरी तैयारी है लॉन्च की, और 11:50 को इस रॉकेट को पहले हमने श्रीहरिकोटा से चांद की तरफ भेजा चंद्रयान को, और अब आदित्य को भेजेंगे सूरज की ओर। तो भारत जो है इस वक्त एक के बाद एक लंबी छलांग कर रहा है, और G20 करीब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम एक जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग भी कर रहे हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी जो है और भारत के इसरो के वैज्ञानिक हैं, जोशी साहब अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके कामयाबी दुनिया को दिखाई जाए कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं स्पेस इकोनॉमी का रुख भी हमारी तरफ होना चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ पर आपने जिक्र किया कि 4 महीने वक्त लगेगा, तो आज ये लॉन्च होगा, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव सर हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ खास मेहमान और बने हुए हैं। डॉक्टर जोशी, यहाँ आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अगर इस संदर्भ में समझा जाए कि मौसम के लिहाज से समझा जाए, धरती पर हम देखते हैं अचानक कई बार होते हैं बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, कई राज्यों का हाल हमने देखा था, इसके अलावा कई बार सूखे की स्थिति हो जाती है, हमारा देश में किसानों का जिक्र करें तो वो आसमान की ओर ताकते हैं, किस तरह से सूर्य जो है वो एक आम इंसान के जीवन पर असर डालता है, तो मौसम को समझने में सूर्य मिशन किस तरह से हमारी मदद कर पाएगा?
देखिए जो मौसम भी दो तरह का है, जो मौसम की आप बात कर रही हैं वो टेरिस्ट्रियल वेदर है ना, धरती का मौसम, और जब हम बात कर रहे हैं आदित्य L1 की, जो उसमें इनसीटू पेलोड्स लगे हैं जो सोलर विंड की स्टडी करेंगे, वो हम बात करते हैं स्पेस वेदर, अंतरिक्ष के मौसम की। तो जो पृथ्वी का मौसम है, दो राय नहीं है कि सूरज है तो इसीलिए हमारे वहां मौसम की पूरी साइकिल, लेकिन वो किस तरह से एग्जैक्ट प्रभाव डाल रहा है, किस तरीके से एग्जैक्ट टेरिस्ट्रियल जो हमारा वेदर है उस पर असर डाल रहा है, ये भी अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। अगर हम देखें रहस्यों से पर्दा उठेगा, बहुत रहस्य हैं। और आपने आपने जो ये बात कही, तो एक छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक सन में सनस्पॉट होते हैं, है ना, सनस्पॉट का मतलब है कि बड़े बड़े स्पॉट्स हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है, है ना, वैज्ञानिक लैंग्वेज में कहें तो 3000 गॉस वहां का मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा एक समय आया था आज से करीब 400 साल पहले जब 50 साल के दौरान सन में सनस्पॉट दिखे ही नहीं। उस समय भी यूरोप की टेलीस्कोप्स हुआ करती थी, उन्होंने देखा कि 50 साल तक सन में न सोलर साइकिल हुई न सनस्पॉट दिखे, इसको मॉन्डर मिनिमम कहते हैं। और उस टाइम पूरे यूरोप में भयानक ठंडक पड़ी थी, लोग शीतलहर से मर गए, जो लंदन में टेम्स रिवर है वो पूरी जम गई। तो ऐसे इंसिडेंसेस हमको मिले हैं हिस्ट्री में, साइंटिफिक रिकॉर्ड्स भी हैं कि असर है, लेकिन डायरेक्ट लिंक क्या है उसके लिए हमको सन की और भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी होगी, और गहन अध्ययन का ये विषय है। डॉक्टर दयाशंकर, आप थोड़ा ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जो कि जिसका जिक्र डॉक्टर जोशी ने भी किया कि आदित्य अब आदित्य L1 है, और एक जिक्र जो है कोरोना का जिक्र हुआ था, वो कोरोना से अलग है ये कोरोना, थोड़ा उसको भी समझाएं। जी ऐसा है कि देखिए सूरज के बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट को तो हम फोटोस्फीयर कहते हैं, इट इज सराउंडेड बाय ए वेरी थिक क्रोमोस्फीयर, और क्रोमोस उसके बाद बहुत मोटाई वाला जो तीसरा चीज है जिसे हम कोरोना कहते हैं। तो इसमें हमारे एक पेलोड तो कोरोना की ही सिर्फ स्टडी करेगा कोरोनोग्राफ में, दूसरा एक पेलोड है जो क्रोमोस्फीयर और कोरोना दोनों की स्टडी करेगा। तो इसके जो उद्देश्य है हमारे वो काफी इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, और इसका सफल बिल्कुल होने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है, पूरा विश्वास है हमको। अभी हमारे पल्लव जी ने बताया, जोशी जी ने बताया, तो हम इसमें लॉन्चिंग में पहले से हमारी अच्छी एक्सपर्टाइज है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा लॉन्चिंग का है, और L1 पॉइंट लैग्रांज पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसके आसपास की जो ऑर्बिट हेलो ऑर्बिट में इसको स्थापित करना, इस सब में हमें करीब करीब 4 महीने लग जाएंगे, उसके बाद करीब 5 महीने तक हमारा एक्सपेरिमेंट अनइंटरप्टेड चलेगा। 5 महीने तक हमारी ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी हो गई हमारी इंडिया की, जो कि सोलर के लिए सोलर ऑब्जर्वेटरी कह सकते हैं आप, हमारी स्पेस ऑब्जर्वेटरी फॉर स्टडिंग सोलर सिस्टम, सोलर विंड्स, सोलर रेडिएशन, कोरोना से आ रहा है कि क्रोमोस्फीयर से आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार का है, इन सब का अध्ययन हम लगातार 5 महीने करेंगे। एक बार हेलो ऑर्बिट में स्थापित होने के बाद L1 पॉइंट के चारों तरफ हेलो ऑर्बिट में जब स्थापित हो जाएगा हमारा आदित्य L1, फिर हम 5 महीने लगातार इन सब चीजों की स्टडी करेंगे। 24/7 हमको धूप मिलेगी वहां पर, हमारे आदित्य वन को लगातार धूप मिलेगी, इतना हाई टेम्परेचर। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से चंद्रयान 3 हमारा सफल रहा, आदित्य मिशन जो है वो भी सफल रहे। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी थैंक यू।